हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अन्नपूर्णा और आपका स्वागत है मेरे किचन में। आज हम बनाएंगे एक और टेस्टी आइसक्रीम की रेसिपी, एकदम मार्केट वाले आइसक्रीम जैसे। आप देख सकते हैं लुक वाइज तो ये मार्केट वाली आइसक्रीम जैसी लग ही रही है, पर इसका टेस्ट भी एकदम मार्केट वाली आइसक्रीम जैसा है। वैसे मार्केट में तो सभी टाइप की आइसक्रीम मिलती है, बट घर पर बनाकर खिलाने का मज़ा ही कुछ और होता है। तो ऐसे मार्केट स्टाइल पिस्ता आइसक्रीम बनाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ GMS और CMC पाउडर का। तो ये है GMS। GMS आइसक्रीम की क्वांटिटी को बढ़ाता है, आइसक्रीम को दुगना करता है, और ये है CMC, ये स्टेबलाइज़र का काम करता है, मतलब आइसक्रीम को ज़्यादा देर तक पिघलने नहीं देता है। उसके अलावा मैंने यूज़ किया है कॉर्नफ्लोर, मिल्क पाउडर और शुगर का, दूध का। तो अभी मैंने एक बर्तन लिया है, इसमें मैं डाल रही हूँ फुल फैट मिल्क, ये 250 ml है, कप से एक कप है। तो अभी मैं सबसे पहले इसमें डाल रही हूँ GMS पाउडर। GMS पाउडर मैं 1 tablespoon यूज़ कर रही हूँ। अगर आप 1 cup दूध यूज़ कर रहे हो तो उसके लिए आप 1 tablespoon GMS पाउडर का यूज़ करना, और 1 ही tablespoon हम लोग मिल्क पाउडर यूज़ करेंगे। अगर आप फुल फैट मिल्क नहीं यूज़ कर रहे या भैंस का दूध नहीं यूज़ कर रहे तो आप मिल्क पाउडर बढ़ा भी सकते हैं। अब यह है CMC। CMC को हमें ज़्यादा नहीं यूज़ करना है, ओनली 1/8 spoon या पिंच से 2 pinch आप यूज़ करना। अगर आप ज़्यादा डालोगे तो आइसक्रीम रबरी बनेगा, चिपचिपा बनेगा। उसके बाद शक्कर, शक्कर मैं 2 tablespoon डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद ये है कॉर्नफ्लोर, कॉर्नफ्लोर हमें 1 teaspoon डालना है, जो छोटा वाला स्पून होता है। अगर आप 1 tablespoon देखोगे तो उससे ये 1/4 होगा, तो हमें कॉर्नफ्लोर ज़्यादा नहीं यूज़ करना है, सिर्फ 1 teaspoon यूज़ करना, नहीं तो वो आटे जैसा लगेगा मुँह में। अब मैं कॉर्नफ्लोर डाल रही हूँ, कॉर्नफ्लोर डाल के सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। कॉर्नफ्लोर डालने से दूध थोड़ा गाढ़ा होता है, आप चाहो तो कॉर्नफ्लोर स्किप भी कर सकते हैं। अभी मैंने गैस के ऊपर रख के गैस का फ्लेम ऑन किया, अब इसको अच्छे से मिक्स करते हुए 1 उबाल आते तक मीडियम हाई फ्लेम पे इसको पकाऊंगी। जैसे इसमें 1 उबाल आएगा उसके बाद गैस का फ्लेम स्लो करके अराउंड 30 सेकेंड हम इसको पकाएंगे, उसके बाद गैस का फ्लेम ऑफ करेंगे। ऑफ करने के बाद इसको मिक्स करते हुए ठंडा करेंगे, अदरवाइज इसके ऊपर मलाई जमेगी और हमको मलाई नहीं जमाना है, और कंटिन्यू मिक्स करना है क्योंकि इसमें कॉर्नफ्लोर है जो नीचे बर्तन में लग सकता है और जल सकता है, इसलिए इसको कंटिन्यू मिक्स करते हुए पकाना है। अब मैंने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया और इसको मिलाते हुए ठंडा कर रही हूँ ताकि इसके ऊपर मलाई ना जमे। अब ये एकदम अच्छे से ठंडा हो गया है, अब मैं इसको जमने के लिए फ्रीज़र में रख दूंगी। मैं इसको रात भर या 5 से 6 घंटे रखूंगी। अभी मैं इसको फ्रीज़र में रख रही हूँ। अब नेक्स्ट डे आप देख सकते हैं ये एकदम अच्छे से जम गया, मतलब ये हमारा आइसक्रीम का बेस है। एक बार अगर हमारा बेस बन जाएगा तो इस बेस से आप जो चाहे वो फ्लेवर का आइसक्रीम बना सकते हैं। अभी आइसक्रीम को पूरी तरह से ये बेस को पिघलने नहीं देना है, हल्का जब ये नॉर्मल हो जाएगा तो उसको इस तरीके से तोड़ के टुकड़े करके हम लोग एक बड़े से मिक्सिंग बाउल में डालेंगे, डाल के इसको फेंटेंगे। इस तरीके से तोड़ने से फेंटने में आसानी होगा। अब मैं इसको डाल रही हूँ मिक्सिंग बाउल में। पहले वाले वीडियो में मैं वैनिला का जो प्लेन आइसक्रीम होता है, बेस आइसक्रीम, स्टेप बाय स्टेप बहुत अच्छे से समझाया है। उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चेक ज़रूर करना। अब मैंने आइसक्रीम को निकाल लिया है, निकाल के इलेक्ट्रॉनिक हैंड ब्लेंडर से मैं इसको अच्छे से फेंट रही हूँ। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप मिक्सी के जार में डालकर भी फेंट सकते हैं, बट मिक्सी के जार में फेंटोगे तो थोड़ा रुक रुक के फेंटना। अभी मैंने एकदम लो स्पीड पे इसको स्टार्ट किया है, फिर थोड़ा सा रुकूंगी, रुकने के बाद मैं इसका स्पीड थोड़ा और इंक्रीज़ करूंगी। इस तरीके से हमें थोड़ा थोड़ा स्पीड इंक्रीज़ करते हुए इसको अराउंड 5 मिनट तक फेंटना है, या तब तक जब तक कि ये एकदम फुलके दुगना नहीं हो जाता। अब आइसक्रीम की क्वांटिटी बढ़कर दुगनी हो गई है। अब मैं आपको दिखा रही हूँ, आप देख सकते हैं आइसक्रीम कितनी सॉफ्ट है, कितनी स्मूथ बनके रेडी है। ऑलमोस्ट हमारी आइसक्रीम बनके रेडी है, बट इसको और टेस्टी बनाने के लिए यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ क्रीम का। यहाँ पे मैं फ्रेश क्रीम यूज़ कर रही हूँ, जो हम लोग दूध के ऊपर से मलाई कलेक्ट करते हैं वो है। आप चाहो तो मार्केट से भी जो क्रीम खरीदते हैं वो यूज़ कर सकते हैं, या व्हिपिंग क्रीम का भी यूज़ कर सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल है वो, या आप स्किप भी कर सकते हो। ऐसे भी ये आइसक्रीम बहुत अच्छी बन के रेडी है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ फ्रेश क्रीम, ये 1/4 cup है, आपके पास अगर 1/4 cup से कम है तो भी चलेगा। अब मैं क्रीम डाल के इसको एकदम अच्छे से फेंट रही हूँ, बट क्रीम डालने के बाद हमें बहुत ज़्यादा नहीं फेंटना है, अराउंड 1 मिनट तक इसको फेंटना है। अब मैंने इसे 1 मिनट और फेंटा है, उसके बाद अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ बाकी की चीज़ें, और वो है पिस्ता। ये अराउंड 1/4 cup है, मैंने पिस्ता को काट लिया है। उसके अलावा मैंने यूज़ किया है ग्रीन फूड कलर का और
पिस्ता एसेंस का, अगर आपके पास पिस्ता एसेंस नहीं है तो आप वेनिला एसेंस का भी यूज़ कर सकते हैं। अब इस आइसक्रीम के मिक्सचर में मैं डालूंगी चॉप किए हुए पिस्ता, आप चाहो तो पिस्ता को हल्का दरदरा ग्राइंड भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने इनको एकदम बारीक चॉप कर लिया। अब मैंने पिस्ता डाला है, थोड़ा सा मैं गार्निशिंग के लिए बचाई हूँ पिस्ता डाल के। अब मैं इसमें 2-3 ड्रॉप फूड कलर का यूज़ कर रही हूँ, ग्रीन फूड कलर। फूड कलर कम्प्लीटली ऑप्शनल है, मैं मार्केट स्टाइल में बना रही हूँ इसलिए मैंने फूड कलर का यूज़ किया है। अगर आपको नहीं पसंद है कलर डालना तो आप स्किप कर सकते हैं। उसके अलावा 2-3 बूंद मैंने एसेंस डाला है, पिस्ता एसेंस डाल के अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। यहाँ पे हमें अब फेंटने की ज़रूरत नहीं है, हमें स्पैचुला से या स्पून से इस तरीके से इसको अच्छे से मिक्स करना है। यहाँ पे कलर थोड़ा सा कम लग रहा है तो मैं 2-3 ड्रॉप और डाल रही हूँ, डाल के अब हमें इसको एकदम अच्छे से मिक्स करना है ताकि इसमें कलर एसन सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए। अब ये एकदम अच्छे से बन के रेडी है, इसका कलर भी बहुत अच्छा लग रहा है। अब मैंने लिया है एक एयर टाइट बॉक्स लेकर इसमें मैं डाल रही हूँ आइसक्रीम को। आपके पास अगर आप एल्युमिनियम का बॉक्स है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो, स्टील का भी यूज़ कर सकते हो, या अगर आपके पास कोई कांच का बॉक्स है तो वो भी यूज़ कर सकते हो, बट बॉक्स एयर टाइट होना चाहिए। अब मैंने इसको डाल दिया है, डालने के बाद इसको मैं थोड़ा सा और ऊपर से पिस्ता डाल के डेकोरेट कर रही हूँ, गार्निश कर रही हूँ। पिस्ता डालने के बाद इसको मैं सिल्वर फॉइल से अच्छे से कवर करूँगी, बट उसके पहले मैंने इसको एकदम अच्छे से टैप किया था। टैप करने के बाद अब मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ कटे हुए पिस्ता, पिस्ता डाल के अब मैं सिल्वर फॉइल से इसको एकदम अच्छे से सिक्योर कर रही हूँ। सिल्वर फॉइल की जगह आप क्लीन रैप का भी यूज़ कर सकते हो। अब इस तरीके से इसको अच्छे से पैक करके उसके बाद मैं इसको ढक के फ्रीज़र में रख दूंगी जमते तक। मैंने आइसक्रीम को रात भर फ्रीज़र में रख दिया था। अब नेक्स्ट डे मैं आपको आइसक्रीम ओपन करके दिखा रही हूँ। जब भी हम आइसक्रीम यूज़ करते हैं उसके बाद फिर से इसको अच्छे से पैक करके रखना ज़रूरी है, नहीं तो उसके ऊपर आइस क्रिस्टल्स आ सकते हैं, मतलब आइसक्रीम उतना सॉफ्ट नहीं रहेगा। अब मैंने आइसक्रीम ओपन किया है, आप देख सकते हैं आइसक्रीम लुक वाइज कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। अभी मैं आपको निकाल कर भी दिखाती हूँ, आप देख सकते हैं ये कितना इजीली निकल रहा है, कितना सॉफ्ट है। अगर आपके पास कुपर नहीं है तो आप इस तरीके से स्पून से भी इसे निकाल के सर्व कर सकते हैं। और मैंने इसको गार्निश किया है रोज पेटल और चॉप पिस्ता के साथ, आप इसे जैसे चाहे वैसे गार्निश कर सकते हैं। विदाउट एनी गार्निश सिंपल, ऐसे भी ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो अब आप भी बनाइए और इंजॉय कीजिए। अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।